goodmorningnews.in जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों को नौ वर्ष की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। नया साल आपके हर ड्रीम को पूरा करे, ये मेरी उम्मीद है, और मेरा भी ड्रीम पूरा हो ऐसा मुझे उम्मीद है कि आप भी हमारे लिए कामना करें। चलिए हम बात करते हैं बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई उन मुद्दों को जिसको सुनने के लिए आप अभी बेताब हैं। नए साल की शुरुआत हो चुकी है। बिहार में सियासत समीकरण की नई संभावनाओं के नए द्वार भी खुलने की चर्चा जोरों पर है। एक तरफ जहां राजद की ओर से जदयू के विधायक के पाला बदलने की बात कही जा रही है, तो वहीं सत्ताधारी जदयू इसे बेतुका करार दे रहा है। इस बात की भी लगातार चर्चा जारी है कि राजनीतिक बदलाव पर बहस क्या ठोस रूप ले पाएगा। दरअसल इसके पीछे की वजह 2020 बिहार विधानसभा चुनाव का जनादेश है। बिहार चुनाव के नतीजे ऐसे आए हैं कि बहुमत और अल्पमत के बीच एक बारीक लाइन है और सत्ता की सियासत बहुत नाजुक है। विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद राजनीतिक बदलाव की चर्चा तेज है। जाहिर है यह नए साल में ही ठोस स्वरूप ले पाएगा। एक संकेत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी NDA की संरचना बदलाव का भी है। लोक जनशक्ति पार्टी को लेकर गठबंधन के घटक दलों में दुविधा है। भारतीय जनता पार्टी को छोड़ अन्य घटक दल LDP को लेकर सहज नहीं है। खासकर जनता दल यू यानी जदयू आधिकारिक तौर पर मान चुका है कि LGP के चलते ही कई सीटों पर उसकी हार हुई। अरुणाचल प्रदेश में जदयू के 6 विधायकों का भाजपा में प्रवेश करना दोनों दलों के रिश्तों को राज्य में किस हद तक प्रभावित करेगा, यह भी नए साल में ही नजर आएगा। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह कह रहे हैं, दर्द है क्या, जदयू नए साल में इस दर्द की दवा खोजेगा। विपक्षी महागठबंधन में भी दर्द है और टीस भी। विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल के सरकार न बनाने का दर्द है। टीस कांग्रेस के चलते सत्ता तक नहीं पहुंच पाने का है। RJD आक्रामक है, कांग्रेस बचाव की मुद्रा में है। दोनों का अस्थाई भाव क्या रहेगा नए साल में ही इसे देखना हर किसी के लिए दिलचस्प होगा। फिलहाल तो कांग्रेस आपस में ही लड़ रही है, हार के लिए राजद के बदले एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रही है। एक बार हार की जिम्मेदारी तय कर लें तब आगे की बात होगी। इन दिनों कई दलों के विधायक टूटने और किसी खास दल से जुड़ने की चर्चा तेज है। RJD जोर शोर से दावा कर रही है जदयू के विधायक टूटकर उनसे जुड़ने के लिए बेताब हैं। इधर जदयू के कई महारथी के बारे में बताया जा रहा है कि वे सब कांग्रेस और आरजेडी में ऑपरेशन की तैयारी में लगे हुए हैं। दोनों तरफ के दावे के अपने लक्ष्य हैं। RJD का लक्ष्य सरकार बनाना है। जदयू की चाहत यह हो सकती है तोड़ फोड़ के जरिए NDA में पहले की तरह बड़े भाई की भूमिका में आ जाएं। कौन अपने लक्ष्य को हासिल कर पाता है, नया साल इन सवालों का जवाब देगा। उम्मीद है मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो जरूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। नमस्कार। goodmorningnews.in जो आपको रखे सब